योर असाइनमेंट, पेन एंड पेंसिल ओनली, ओके? यस दैट्स गुड. सो नाउ हु विल टेल मी व्हाट यू लर्न इन द लास्ट सेशन? यस, हु विल टेल? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. ओके, एट थे. यस, सेकंड बेंच बॉय, आ जाओ बेटा, कम फॉरवर्ड. We learned about twins. Yes, which, can you tell me the name of those twins, types of twins? Identical and non-identical. Yes, and except that, what you learned? Test tube babies. Test tube babies, that's good. IUI. IPI, yes, IUF, yes. So fertility techniques you have learned yesterday, so that's good. So now students, today we are going to solve our assignment, okay? So for that, let's get started. So first question is, which of the following is true about sexual reproduction? It involves the union of two sex cells. It only occurs in plants. It doesn't require the involvement of any living organisms. It results in the production of genetically identical offspring. So from eighth A, Mugenjeet Kaur. 8A मगनजीत कौर, बेटा आ जाओ. यस मैम, फर्स्ट व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा? ए ऑप्शन. यस, 8A, वेल डन बेटा, सिट डाउन. सो यस, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यू लर्न, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स यूनियन ऑफ टू सेल्स. ओके, सो टू सेल्स आर व्हाट? सेक्स सेल्स, स्पर्म एंड एग, एंड देन वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, सो आंसर इज ए, मार्क ए. ओके, मार्क ए. ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम 8B. नाउ फ्रॉम 8B, नवजोत डोगरा इज प्रेजेंट. यस बेटा, आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. डी ऑप्शन. ऑप्शन, दैट मीन्स इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन एंड अडेप्टेशन. कैन यू टेल मी वाई एंड हाउ? यस, कैन यू टेल मी हाउ इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन एंड अडेप्टेशन? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? यस नवजोत, do you understand what do you mean by genetic variation? Yes, say yes or no beta. Yes Namjot, say yes or no. If No. not, okay, sit down beta, sit down. So yes, she is right, but beta, everyone should know why it is correct. Okay, why other three options are incorrect. Yes, 8G, first bench boy. Yes, your hand is raised. You want to answer this? Yes. बेटा सबने ध्यान से सुनना है, सबको आंसर पता लग गया है, लेकिन क्यों है? यू शुड नो द रीजनिंग ऑफ दिस, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाए, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दिस. सो यू शुड नो. यस 8G बेटा, Because it has genes of both male and female, so it can adapt to various diseases. यस, अडेप्ट टू वेरियस डिजीजेस, और वी कैन से अडेप्ट टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो इफ यू रिमेंबर फर्स्ट सेशन, इन द वेरी फर्स्ट सेशन वी लर्न ओनली अबाउट द वेरिएशन.
वेरिएशन मतलब क्या होता है इन इंग्लिश नॉर्मल? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? डिफरेंस चेंजेस है ना, चेंज जो हो रहा है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। नाउ हियर वी आर सेइंग जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन्स में वेरिएशन। कैसे? लाइक वी नो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। ओके, एंड वी टुक एग्जांपल ऑफ कलर्स, है ना, हमने कलर्स का एग्जांपल लिया था। सो लाइक दिस इट इज ऑफ येलो कलर, और वी कैन से इंस्टेड ऑफ येलो कलर लेट्स टेक अनदर कलर बिकॉज दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो नाउ हियर यू कैन सी इट्स व्हाइट कलर एंड द सेकेंड पेरेंट जीन इज रेड इन कलर। ओके, जस्ट टेक एग्जाम्पल, वेन दीज टू जीन्स गेट मिक्स व्हाट वी गेट? डू वी गेट सेम व्हाइट और रेड कलर? वी गेट समथिंग हाँ एल्स दैट इज मिक्सचर ऑफ दीज टू प्रोडक्ट। सो वट इज दैट? पिंक, यस पिंक इज मिक्सचर ऑफ दीज टू। ठीक है, रेड और व्हाइट का मिक्सचर आ गया। अब ना ही ये कंप्लीटली रिजेंबल टू पेरेंट वन और पेरेंट टू, इट इज मिक्सचर ऑफ दीज यू नो दीज टू पेरेंट्स। ओके, सो दैट इज वेरिएशन। अब चेंज हो गया उसके जीन्स में, सो दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। अब अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब क्या हो गया? ढालना। ठीक है, आपके जो इन्वायरमेंट, जैसे अब सर्दी आ गई, आपने अपने आप को ढाल दिया, यू अडेप्ट टू योर इन्वायरमेंट। अडेप्ट वैसे एक ब्रॉड टर्म होती है, बट फॉर टाइम में जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे, अडेप्ट किया आपने आपको। कैसे? यू आर स्टार्टेड वेयरिंग वुलन क्लोथ्स। ठीक है, आपने वुलन क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिया, कॉटन के तो नहीं पहन रहे ना, यू आर नॉट वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स और कॉटन शर्ट्स। सो दिस इज हाउ यू आर अडेप्टिंग टू योर इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। सिमिलरली, ठीक है, इसी वे में अब हमारे जेनेटिक, जो हमारे चेंज हुए हैं, जेनेटिक वेरिएशन जो हुई है, इट हेल्प अस टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। लाइक वी टुक एग्जांपल ऑफ कोविड एरा, है ना, कोविड एरा का हमने एग्जांपल लिया था। सेम फैमिली में 5 पर्संस थे, सबको कोविड हुआ। एक को जो कोविड हुआ वो एसिम्टोमेटिक रहा, मतलब उसको कुछ फील ही नहीं हुआ। ही और शी बिहेव लाइक ए नॉर्मल पर्सन, उसको ना कोल्ड हुआ, ना उसको लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, ना ही फीवर हुआ। वाइल जो 2 पर्सन थे उनको थोड़ा थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स हुए। माइल्ड सिम्टम मतलब हल्का सा फीवर, हल्का सा कोल्ड, देन रिकवर। जो 2 बच गए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब सारे पांचों के पांचों ह्यूमंस ही थे, बट ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, जो उनकी बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो अलग अलग है थोड़े, उसकी वजह से जिनके अच्छे जीन्स थे, स्ट्रॉन्ग जीन्स थे, दे सर्वाइव। और वी कैन से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ को एसिम्टोमेटिक को, कुछ को पड़ा लेकिन वो रिकवर हो गए, कुछ को बहुत प्रॉब्लम आई दे रिकवर, और जो नहीं कर सके दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। सो दैट बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ओनली। ठीक है, सो यस नाउ यू अंडरस्टूड। सो आंसर इज डी, मार्क डी। सेकेंड का है बेटा, इट्स डी, सेकेंड इट्स डी। नाउ फ्रॉम 8C, थर्ड क्वेश्चन इज फॉर 8C, हरमनप्रीत। हरमनप्रीत इज देयर? 8C हरमनप्रीत, आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्ट लेबल्ड एक्स? मैम डी ऑप्शन इट्स डी, यस इट्स डी, करेक्ट। सो व्हाई डी? हियर यू कैन सी इट्स अ कॉमन पैसेज। ओके, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरिन और स्पर्म दोनों यहां से बॉडी से निकलते हैं, सो इट्स अ यूरेथ्रा। सो मार्केट, इसको पता भी होना चाहिए बेटा कि अगर ये है तो क्या है। इट्स अ यूरेथ्रा, राइट डाउन, एक्स इज अ यूरेथ्रा एंड इट इज अ नैरो डक्ट। डक्ट क्या होती है बेटा? पाइप, पाइप जैसा स्ट्रक्चर।
It is a narrow duct that helps in passing both urine and sperms. ठीक है, सो इट इज दैट. सो आंसर इज थर्ड का, इट्स डी. इट्स डी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, एंड फॉर दैट फ्रॉम एट्थ डी. एट्थ डी हर्षिता रानी. एट्थ डी हर्षिता रानी. इस हर्षिता इज प्रेजेंट? बेटा जिसके पास माइक है, इट्स योर ड्यूटी टू कंफर्म वेदर दैट पर्सन इज प्रेजेंट और नॉट. ओके, हर्षिता इज देयर. हर्षिता बेटा जूम से पहले अपना माइक ऑन करो. यस, नाउ इट्स फाइन. सो क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ द टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम? ऑप्शन सी ऑप्शन सी, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. तो यस, स्पर्म्स फॉर्म्ड विल बी किल्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बिकॉज द रोल ऑफ द स्कॉटम इज व्हाट, टू मेंटेन लो टेम्परेचर. ठीक है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो जिंदा रहे. ठीक है, क्योंकि दे नीड लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू आर रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे उसे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए. सो दैट्स व्हाई. सो आंसर इज, इट्स फोर्थ का है बेटा, मार्क कर लो, इट्स सी. फोर्थ इज सी, मार्क इन योर असाइनमेंट. कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द वैस डेफरेंस आर कट फ्रॉम टेस्टिस देन एट्थ ई. नाउ फ्रॉम एट्थ ई जतेश इज देयर. जतेश, एट्थ ई जतेश. यस, जतेश इज देयर. यस यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव? सी ऑप्शन ये ऑप्शन, डी ऑप्शन डी ऑप्शन. डी ऑप्शन डी फ्रॉम सेम क्लास एट थी, फ्रॉम एट थी अरमानप्रीत. एट थी अरमानप्रीत. एम ए ऑप्शन यस, इट्स ए, इट्स ए. व्हाई सो इट्स ए बेटा? यहाँ पर हमने पढ़ा था ये टेस्टिस है, दीज आर द टेस्टिस, स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड हेयर. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर दीज शुड बी मूव टू, और वी कैन से टिल यूरेथ्रा, वेयर दे गेट मिक्स विद द सीमन और न्यूट्रिशियस फ्लूइड, है ना? अब ये जो पाइप है इसका क्या नाम है? हु विल टेल मी व्हाट, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या कहते हैं इसे? वैस रेफरेंस डेफरेंस. इट इज कॉल्ड वैस डेफरेंस. अब ये जो पाइप है अगर इसी को काट देंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हमने पाइप ही काट दी क्या हो जाएगा बेटा? जो स्पर्म है वो टेस्टिस में रह जाएंगे, वो कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे. इफ देयर इज नो पैसेज, ओके, अगर हम उसका पैसेज जो रास्ता है, डक्ट है, इसी को अगर हम यहां से कट कर दें तो क्या हो जाएगा? स्पर्म विल नॉट मूव टू दिस प्लेस. ठीक है, सो यहां पर आंसर आ जाता है ऑप्शन ए. फिफ्थ का है ऑप्शन ए. ए इज द करेक्ट आंसर. मार्क ए. कमिंग टू सिक्स क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल्स एट वन टाइम सीमन हैज अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स, बट इन फीमेल्स ओनली एग इज फॉर्म इन वन मंथ. व्हाई मेल्स प्रोड्यूस सो मेनी स्पर्म्स? इट्स सो मेनी, इट्स नॉट 50, इट्स सो मेनी स्पर्म्स. सो फ्रॉम एट्थ जी, फ्रॉम एट्थ जी, सॉरी एफ, आई थिंक एफ इज लेफ्ट. फ्रॉम एट एफ नमनप्रीत.
एट एफ नमनप्रीत। यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन? हेलो बेटा पहले जूम से अपना माइक ऑफ ऑन करो। यस नाउ से आंसर इज ऑल द अबव। ऑल द अबव, दैट्स गुड, बिकॉज वी नो फर्स्ट इज मेनी स्पर्म्स गेट किल्ड ड्यूरिंग देयर ट्रांसफर अप टू फीमेल गैमेट्स। सो फीमेल गैमेट्स के वहां पर जो अगर हम कहें रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो पीएच है दैट इज बॉय बेटा साइलेंट, प्लीज मेंटेन द डिसिप्लिन। इन फीमेल अगर हम बात करें, फीमेल में एसिडिक एनवायरमेंट होता है व्हाइल स्पर्म्स नीड न्यूट्रल और एल्कालाइन एनवायरमेंट। तो डिसिप्लिन को वहां तक पहुंचना है, प्लीज प्लीज एट है बी साइलेंट। तो आंसर इज ऑल द अबव, डी सिक्स का है डी मार्क, सिक्स इज डी। कमिंग टू सेवन, द फ्लूइड सेमिनल प्लाज्मा प्रोवाइड्स मीडियम फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रॉम एट जी। फ्रॉम एट जी पवनदीप सिंह, एट जी पवनदीप सिंह। यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेवन? यस बेटा, सी ऑप्शन यस, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म एंड एल्कलाइन मीडियम टू स्पर्म, दैट्स गुड। इट्स सी, सेवन इज सी। नाउ कमिंग टू एट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो आपने मैच द फॉलोइंग करना है। नाउ फ्रॉम एट थे अंजलि, एट थे अंजलि। शी इज एब्सेंट। इज एब्सेंट, ओके। सुखमन इज देयर, सुखमन ओके। सुखमन एंड एट बी से उपासना, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उपासना बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो एट का बताओ बेटा। मैम यस यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ एट्थ क्वेश्चन? मैम ऑप्शन ए। यस इट्स ए, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। सो यस, इन हेड ऑफ द स्पर्म जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, इन मिडल पीस व्हाट इज प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड्स एनर्जी। यू शुड नो व्हाई इट प्रोवाइड्स एनर्जी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। टेल हेल्प्स इन मूवमेंट, ओके। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है। नाउ कमिंग टू नाइन, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट, पी एस, पी टू एस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो आई कॉल्ड उपासना, है ना, उपासना फ्रॉम एट मैम बी। यस बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मैम टी साइट ऑफ गैमेट प्रोडक्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट, सीधा बताओ। मैम ए। ए, दैट्स फाइन, बट नाउ फ्रॉम दैट एट बी, एट बी बेटा सिट डाउन, यू आर करेक्ट, दैट्स गुड। नाउ फ्रॉम द एट बी रामकृष्ण इज देयर, एट बी रामकृष्ण। एम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नो, अगर ऑप्शन ए करेक्ट बोल दिया तो फिर आगे तो वो सेम ही रहेगा ना। लेट मी आस्क यू, मैं मेरा क्वेश्चन आपसे अलग है। अब इसमें पी क्यू और आर एस जो दिया वो क्या है? वो तो आप सही बता रहे हो, ऑप्शन की क्या काम है, क्या होता है, व्हाट व्हाट फंक्शंस परफॉर्म देयर। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? यू इज फेलोपियन ट्यूब। बट अबाउट फर्स्ट, पहले पी बताओ, पी क्या है? That is ovary. सॉरी, नाउ क्यू इज Fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब, आर
यूटेरस. यूट्रस, आर इज यूट्रस. एस एस इज इट्स सर्विक्स, इट्स सर्विक्स, इट्स सर्विक्स. बेटा ये यहां पर है ना, इट्स लाइक दिस, यहां पर है ये, दिस इज सर्विक्स. ये जो यहां पर होता है नीचे, यहां पर हम कहते हैं इट्स अ वजाइना, इट्स अ सर्विक्स. ओके, इट्स अ सर्विक्स. सो आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स ए. ठीक है, इट्स एकदम बेटा. नाउ कमिंग टू 10th क्वेश्चन. इन ए फीमेल एक्स ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटी द यूट्रस वॉल इज थिन, फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड देन. सो इट्स फ्रॉम, इट्स फॉर 8C, 8C सम दिशा, 8C सम दिशा, 8C सम दिशा आ जाओ. और फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 8D से भव्या, बी रेडी. फॉर द 11th क्वेश्चन भव्या फ्रॉम 8D, बी रेडी. सो यस, 8C से आ जाओ बेटा पहले आप. ए ऑप्शन. ए ऑप्शन, यस, बिकॉज द वॉल ऑफ द यूट्रस इज थिन, तो वहां पर इम्प्लांटेशन जो है नहीं हो पाएगी और उस वजह से बच्चा जो है ग्रो नहीं करेगा, मिसकैरेज हो जाएगा. सो यस, इट्स ए, 10th का है ए. कमिंग टू 11th, संदिशा, इट्स संदिशा और भव्या, सॉरी भव्या, ए डी से भव्या. एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर मच लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एग्स ऑफ ह्यूमंस बिकॉज, क्यों? मैम ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो लेट्स पहले हम देखते हैं कि यह सही है नहीं है. बर्ड्स है, अब आप नहीं मुझे आंसर बताना है बेटा इसका, इज इट करेक्ट और नॉट. रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है. अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन. नाउ इन बर्ड्स इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल? यस, मैम एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल बेटा. इन बर्ड्स इट्स इंटरनल. इन रेप्टाइल्स? इंटरनल. इन ह्यूमंस? मैम इंटरनल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट? मैम नो. फिर तो आपका ये वाला गलत हो गया. ठीक है, कमिंग टू सेकेंड. एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर योक रिच व्हाइल एग्स ऑफ ह्यूमंस डू नॉट हैव योक, इज इट करेक्ट? मैम यस. सो यस, अगर योक की बात करें, लार्ज अमाउंट हियर ऑल्सो लार्ज, इन ह्यूमंस वी डोंट हैव योक, है ना. कमिंग टू सी, एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर प्रोटेक्टेड बाय कैल्सेरियस शेल, वेयर एज नो सच शेल इन ह्यूमन एग्स. यस, मैम इट्स फॉल्स. क्यों? एग्स जो होते हैं बर्ड के और रेप्टाइल में, उसमें व्हाइट कलर की एक बेटा हार्ड लेयर नहीं होती, अंडा तो सभी ने देखा होगा ना, वो जो उसमें हार्ड शेल होती है जो कवर है, दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट. सो इट्स करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है. शेल की अगर बात करें, सो इट्स प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, एब्सेंट इन अस, ठीक है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन अस. कमिंग टू लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. पहली बात तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ए तो हमने पहले देख लिया गलत. अब बी और सी में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें क्वेश्चन के बेसिस पे बताना है. क्वेश्चन इज अबाउट जो बर्ड और एग के, सॉरी बर्ड और रेप्टाइल के एग्स है वो बिग क्यों होते हैं, तो शेल की वजह से तो नहीं होंगे. इट इज बिकॉज ऑफ द जो अंदर कॉन्टेंट है, ज्यादा किसमें है, दैट इज इन बर्ड्स और रेप्टाइल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्क ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिट डाउन बेटा. नाउ कमिंग टू 8E, 8E में से पलक, बी रेडी.
फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, पलक एट्थ ई और एट्थ एफ से कृतिका, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सो कमिंग टू 12th, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट ड्यू टू, यस एट थी बट आपका कैमरा भी नहीं चल रहा। यस बेटा, व्हाट द आंसर? ऑल द अबव। बेटा अभी से क्या एक क्वेश्चन था जो हमने ऊपर किया है वैसे, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ योग, सी आंसर इज सी, ठीक है। कमिंग टू 13th, एट्थ एफ, यस एट्थ एफ बेटा आ जाओ। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन टू एम्ब्रियो इन ह्यूमन स्टार्ट इन डैश एंड इज कंप्लीटेड इन डैश। बेटा आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। ऑप्शन ऑप्शन बी, यस। सो डेवलपमेंट स्टार्ट इन फेलोपियन ट्यूब एंड इट्स एंड इन यूट्रस, दैट्स गुड। देन कमिंग टू 14th, 14th के लिए आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम जी सेक्शन दिवांश, दिवांश इज देयर, जी सेक्शन दिवांश आ जाओ बेटा फॉर द 14th। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग एग एंड स्पर्म? ऑप्शन यस सी ऑप्शन, यस सॉरी सी ऑप्शन, बी फॉर बोथ। इट्स बी बिकॉज स्पर्म इज स्मॉल इन साइज व्हाइल एग इज लार्ज, यस इट्स बी। 14th, कमिंग टू 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th ए, 8th ए दिलप्रीत सिंह फॉर द 15th क्वेश्चन एंड फॉर द 16th क्वेश्चन फ्रॉम 8 बी प्राची, बी रेडी। 8 बी से प्राची 15th क्वेश्चन के लिए तैयार रहे, यस 8 दे से, यस बेटा। एब्सेंट। ओके फ्रॉम 8 थे, देन बंदना इज देयर, बंदना 8 थे, बंदना यस बेटा 8 थे, बंदना इज देयर और नॉट, बेटा माइक माइक जिसके पास है बताओ, प्रेजेंट बंदा बेटा बी फास्ट, ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी करो जिसका नाम ले रही हूं मैं। सो 8 बी वाले प्राची बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 के लिए, 8 सी से, 8 सी से जानवी बी रेडी, यस बेटा बोलिए क्या आंसर है 50-50? ऑप्शन यस द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्मड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फीटस, नहीं फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, ठीक है। यस सिट डाउन बेटा, बेटा कैमरा चेक करना, 8th का बंद हो गया। नाउ कमिंग टू 16th, सो यस 8 बी, 8 सी वाले माइक में पहले ही आ जाओ बेटा 17th क्वेश्चन के लिए और 16th के लिए बेटा, यस 8 बी। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर इन विच फॉलोइंग स्टेजेस स्टेजेस अकर, मैम बी ऑप्शन। यस डी ऑप्शन, यस करेक्ट। सो फर्स्ट इज क्या बनता है, जाइगोट बनता है, नहीं पहले गैमेट्स बनेंगे ना, गैमेट्स कौन से बनेंगे, गैमेट्स इज व्हेन वी आर सेइंग गैमेट्स इट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड एग, ठीक है। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है देन दे व्हेन दे फर्टिलाइज और फ्यूज्ड, ठीक
ठीक है, देन व्हाट वी गेट जाइगोट, ठीक है, जाइगोट हमें मिलता है, देन व्हाट वी गेट आफ्टर जाइगोट, व्हाट वी गेट नेक्स्ट स्टेज इज, यस इट्स फीटस, नॉट फीटस इट्स एम्ब्रियो, फोर्थ फिफ्थ, देन एम्ब्रियो है बेटा, इट्स बी ऑप्शन ना, सो इट्स एम्ब्रियो, देन फीटस, देन बॉडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट्स राइट, सिट डाउन नाउ फ्रॉम द एट सी, ह्यूमन एग्स डू नॉट हैव एनी योक, देन हाउ डू द ह्यूमन एम्ब्रियोस ऑब्टेन न्यूट्रिशन, मैम बी ऑप्शन। यस फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, दैट्स राइट, 17 इज बी। कमिंग टू 18th क्वेश्चन, एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, पिक द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, सो फ्रॉम 8th सी अर्शप्रीत इज देयर, अर्शप्रीत फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 19, लवप्रीत फ्रॉम 8th डी बी रेडी, 8th डी से लवप्रीत बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20th के लिए, 20th के लिए गुरशरण फ्रॉम 8th ई, गुरशरण फ्रॉम 8th ई, यस बेटा 8th टी से, यस 17th क्वेश्चन का आंसर, बेटा माइक ऑफ है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यस एंड व्हाट अबाउट 18th, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन, सो एनिमल एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स लाइक इन फ्रॉग, वी कैन टेक एग्जाम्पल, तो किस लिए वो ज्यादा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या ये एनिमल्स छोटे होते हैं और ज्यादा बच्चे चाहते हैं, ऐसा नहीं है, फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वॉटर नॉट द केस, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पानी के अंदर है बेटा, बाहर है, बॉडी से बाहर गैमेट्स है, तो उसको जो है कोई खा भी सकता है, वो खराब भी हो सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, तो टू मेक श्योर जितने ज्यादा वो जो गैमेट्स बाहर रिलीज करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन होने के, ठीक है, सो आंसर इज इट्स सी, 18th का है सी, सिट डाउन नाउ, नेक्स्ट क्लास डी सेक्शन बेटा, 19th का आंसर, ए पॉन्ड हैज मैनी टैडपोल लार्वा, दे ग्रो इन साइज बट डोंट फॉर्म एडल्ट फ्रॉग्स, द रीजन कैन बी, टैडपोल जो फ्रॉग है उसके मेटामॉर्फिक, वाटर लैक्स आयोडीन, जो मेटामॉर्फोसिस होती है इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन, ठीक है, कौन सा, थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन के लिए वी नीड आयोडीन, यस दैट्स गुड, सिट डाउन, कमिंग टू 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, नाउ 8th से जिसको बुलाया था खड़े हैं, 8th, यस बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज हाईली वेस्टफुल, IVF हेल्प्स द फीमेल्स हुज ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड टू हैव देयर बेबीज, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज गिव बर्थ टू यंग वंस, और डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजियस एज इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, ए यस ऑप्शन। बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, ए ऑप्शन। नो इट्स नॉट ए ऑप्शन, इट्स अ वेस्टफुल, इतने सारे एग या गैमेट्स वो रिलीज करते हैं, स्पर्म्स रिलीज करते हैं, सारे तो यूज नहीं होते, कुछ ही फर्टिलाइज होते हैं ना, तो ये तो सही है, वेस्टफुल प्रोसेस है वो, सो एक्सेप्ट दैट, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, ठीक है बोलो, यस 8G फर्स्ट बेंच बॉय, बेटा बताए, बेटा जूम्स, हाँ अब बोले, यस ऑप्शन सी ऑप्शन, कैन यू गिव मी द एग्जांपल, एंड एनीथिंग।
Which organism fertilize internally and lay eggs? Yes, hens. So this statement is wrong. ठीक है, इन्होंने एक बोल दिया कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी उसमें सिर्फ यंग वन से निकलेंगे. नो, इट इज नॉट द केस. बर्ड्स में ऐसा नहीं होता. दे इंटरनली फर्टिलाइज बट दे गिव और दे ले एग्स. ठीक है, कमिंग टू 21st, टेस्ट ट्यूब बेबीज आर. अब ये ओपन क्वेश्चन है, जिसको आता है हैंड रेस करो. टेस्ट ट्यूब बेबीज आर. यस, एट्थ एफ. यस, मिडल रो, सेकंड बेंच गर्ल. आ जाओ बेटा. ऑप्शन इट्स सी, 21st का है सी. सो दोज हु आर डेवलप इनसाइड मदर्स बॉडी. बच्चा मदर के वूम में ही बन रहा है, बट जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सो जाइगोट इज फॉर्मड इन टेस्ट ट्यूब्स. ठीक है, कमिंग टू 22nd, द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग्स एंड हैंड सेल. हु विल टेल मी क्या डिफरेंस होता है फ्रॉग के एग और हैंड सेल? दोनों एग ले कर रहे हैं, बट देयर डिफरेंस. यस, एट जी. यस, ऑल ऑफ द अबव यस, ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पर उनके जो है, जो फ्रॉग है उसके, उसमें कोई शेल नहीं होती, उसमें वो जेली जैसा होता है. ठीक है, इट्स लाइक जेली. ठीक है, जबकि जो हेंस का जो एग है उसकी शेल होती है हार्ड. देन द एग दैट इज लेड बाय फ्रॉग्स आर अनफर्टिलाइज्ड. बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, वाइल इन हेंस और बर्ड्स इट्स इंटरनल. तो वो जो है फर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं. कमिंग टू 23rd, आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म्ड व्हेन? मुझे सिर्फ बेटा 8th एफ और 8 जी के हैंड्स दिख रहे हैं, बाकी सब पढ़ के नहीं आए हो? यस, 8th ए से आ जाओ. यस, बी ऑप्शन. यस, वन फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू टू सेपरेट एम्ब्रियोस. नाउ कमिंग टू 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइडेंटिकल ट्विंस आर ट्रू? अब मुझे आंसर चाहिए 8th B से. अपने आप हैंड रेस करो, नहीं तो आई विल कॉल नेम जिसको आता है. यस बेटा, कहते ऑप्शन. हैं सेम जेनेटिक मटेरियल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25th, रीजन असर्शन है. नाउ इट्स रीजन असर्शन. Assertion, sexual reproduction is advantageous over asexual reproduction. Is it true or false? Yes, बोलो. True. It's true. Reason, sexual reproduction helps in adapting different environmental conditions. True. Yes, so both are true. A option. Yes, so coming to 26, assertion, tadpole larva frog has tail and fins, while adult frog has limbs. True. Yes. Reason, change of larva into adult is called metamorphosis. Yes. Yes, it's true, but do you think it's an exact reason? The बी ऑप्शन. B ऑप्शन. option. ठीक है. It's not a correct, like why they have, you know, fin like, or we can say they have tail, because they are inside the water. पानी के अंदर है तो उनके पास वही होगा, क्योंकि उन्होंने पानी से ही ऑक्सीजन लेनी है. जब वो बाहर आने लगते हैं, व्हेन देयर बॉडी डेवलप्स कंप्लीटली, दैट टाइम दे हैव लंग्स, और सॉरी दे हैव लिम्स, सो दे कैन, वी कैन से हॉप और जंप. ठीक है, कमिंग टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टू वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई बोथ रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बडिंग. बडिंग मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो हमने पढ़ा है. दोनों ही बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स भी और वाई भी. ठीक है, नाउ ऑर्गेनिज्म एक्स इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज इन मेकिंग एल्कोहल फ्रॉम शुगर. सो शुगर से ये एल्कोहल बनाने में ये जो ऑर्गेनिज्म है काम में आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्रेड. सो एक और एप्लीकेशन आ गई, ब्रेड मेकिंग में काम आ रहा है. ठीक है, ठीक मेकिंग ब्रेड. ठीक है,
Now, organism Y is a tiny animal having tentacles which lives in water. So, इसके पास सिर्फ टेंटिकल्स है, उसके बारे में अब हमें ज्यादा नहीं पता, ठीक है? Now, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म एक्स? फटाफट बोलो, माइक ऑन है सबका, बोलो। यीस्ट इट्स अ ईस्ट। सेकेंड, नेम द प्रोसेस इन विच एक्स कन्वर्ट शुगर इन टू एल्कोहल। फर्मेंटेशन। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सब लिखते चलो बेटा आंसर, स्टोरी नहीं सुनती यहाँ पर, ठीक है? कमिंग टू सी, टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म डज एक्स बिलोंग? यस, पंजाई यस। सो आंसर इज दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फंजाई। नाउ आउट ऑफ एक्स एंड वाई, विच ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर एंड विच वन इज यूनि सेलुलर? एक्स इज यूनिसेल इज मल्टी सेलुलर। यस, सो एक्स इज यूनि सेलुलर एंड वाई इज मल्टी सेलुलर, ठीक है? आई होप सबने नोट भी कर लिया, इसको नोट डाउन कर लिया ना साथ में आंसर इसके, बेटा नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई। आपने देखो, जब ये वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करते हो ना, ट्राई टू सॉल्व इन दिस वे, यू विल गेट द क्लियर पिक्चर, ठीक है? नाउ अगेन क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर टू टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है? एक्स और वाई दो एनिमल्स हैं। द एनिमल्स लाइक एक्स अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है, आई एम राइटिंग इट इज ई एफ। वेयर एज एनिमल्स लाइक वाई अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आई एम राइटिंग इट एज आई एफ। द एनिमल्स लाइक एक्स ले एक्स, तो इसने क्या किया है, एक्स ले किए हैं, ले एक्स। वाइल वाई, ठीक है, वाई उसने यंग वंस को बर्थ दिया है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एनिमल्स लाइक, ओविपेरस। यस, सो दीज आर ओविपेरस, ठीक है? इट इज अ ओविपेरस। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स लाइक एक्स, फ्रॉग 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 एंड फिश। जेलीफिश, टोड्स। यस, बस दो ही चाहिए बेटा अभी तो। कमिंग टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? विविपोरस, पर्स। एंड कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ दिस? ह्यूमंस, एनिमल्स। ह्यूमंस, नॉट ऑल एनिमल्स, वी कैन से कैट्स, डॉग्स, गिव अ स्पेसिफिक नेम, है ना? यस। सो लाइक दिस, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, ए इज एन इंसेक्ट व्हिच ब्रीड्स इन पॉन्ड्स ऑफ स्टेग्नेंट वाटर। द एग्स ऑफ दिस इंसेक्ट प्रोड्यूस वॉर्म लाइक फॉर्म बी, विच इज इंटायरली डिफरेंट इन अपियरेंस फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। द फॉर्म बी अंडरगोज अ चेंज सी एंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू एन इंसेक्ट ए। द फीमेल ऑफ इंसेक्ट ए इज ए कैरियर ऑफ ए प्रोटोजोआ डी विच स्प्रेड्स अ डिजीज इन ह्यूमन। सो वट आर ए बी सी डी, वट आर ए बी सी डी? ए जो है लास्ट में बना है, तो ये होगा एडल्ट डेड मॉस्किटो, मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो, यस। व्हाट अबाउट बी? लार्वा, लार्वा। इट्स अ लार्वा। लार्वा बेटा, लार्वा, इट इज फर्स्टली एग, पहले एग्स ले करेंगे, देन लार्वा, देन एडल्ट, ठीक है? डी क्या है, डेडपूल। टेप कौन सा लेगा बेटा? फीमेल, जो फीमेल मॉस्किटो है, कौन सा जो है उसमें प्रोटोजोआ होता है, क्या नाम होता है उसका? प्लाज्मोडियम, एक्सक्यूज इट्स प्लाज्मोडियम, ओके। सो मी, आंसर यस बेटा, होगा एक्स उन्होंने दिया हुआ पहले देखने से यस बेटा। क्वेश्चन। एम जो बी आपने एक्स लिखा वहां पर लार्वा नहीं आएगा, अच्छा, पहले एक्स होते हैं, लार्वा होता है पहले, ठीक पहले एक्स के बाद उन्होंने लिखा है द एग्ज ऑफ दिस इंसेक्ट प्रोड्यूसेस अ फॉर्म लाइक फॉर्म बी, वो लार्वा नहीं होगा।
ए इज एन इंसेक्ट विच ब्रीड्स इन पॉन्ड्स ऑफ स्टेग्नेंट वाटर. द एग्स ऑफ दिस इंसेक्ट प्रोड्यूस ए. ओके ओके दैट्स राइट, दैट्स राइट. यस यस दैट्स राइट बेटा. सो यस इट्स लार्वा. सो व्हाट अबाउट सी देन? पीपल यस दैट्स गुड, दैट्स गुड. सो इट्स प्यूपा. यस दैट्स गुड. ठीक है बेटा दैट्स करेक्ट. किसने ये बताया चेंज? एक्स करो. आई वॉन्ट टू नो. यस दैट्स गुड. व्हाट्स योर नेम बेटा? परमवीर. परमवीर सिंह दैट्स गुड, दैट्स गुड बेटा. वेल डन. सो यस दैट्स अ करेक्ट. नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ बी. नेम अनदर इंसेक्ट विच ऑल्सो अंडरगोज चेंज. सी बटरफ्लाई बटरफ्लाई. यस दैट्स राइट, दैट्स गुड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. द एग्स ऑफ फ्रॉग्स डू नॉट हैव शेल्स ड्यू टू फॉर. देयर जेली लाइक स्ट्रक्चर. यस दे हैव जेली लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स गुड. वाटर कंटैक्ट विच प्रिवेंट द यस. कमिंग टू फिफ्थ, द टर्म मेटामॉर्फोसिस इज नॉट यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हाई? तो बेटा इसका आंसर सभी फटाफट, ड्राइंग एवरीवन नोट डाउन द आंसर ऑफ दिस. आउट. इन ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर. इन ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर. बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम. बेटा 8th ए फर्स्ट बैंड बेटा, क्या याद कर रहे हो आप? इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर. इन ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ. प्रेजेंट प्रेजेंट इन, फिर से मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ. ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट. बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम. प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ. फ्रॉम बॉडी टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ. तो हमारे जो अगर ह्यूमन के आपने बच्चे देखे होंगे बेटा छोटे छोटे, उनमें भी दो हाथ दो पैर, हाथ और मुंह आंखें सब सेम होता है, जो बड़े में भी होता है. कोई चेंज नहीं होता, बस साइज बढ़ता रहता है. तो हम उसको लार्वा या प्यूपा या टेडपोल नहीं कहते, क्योंकि उसकी शक्ल उसके जो बॉडी के पार्ट्स है जस्ट लाइक एन एडल्ट बट स्मॉल. जबकि अगर वी यू नो लिक वी कैन सी अबाउट और वी कैन सी लार्वा. लार्वा डजंट रिजेम्बल लाइक एन एडल्ट मॉस्किटो और वी कैन से एडल्ट इंसेक्ट. वो वैसा नहीं होता. तो दैट्स वाई उनकी डेवलपमेंट को भी से मेटामॉर्फोसिस बट नॉट आर. ठीक है दैट्स द रीजन. सो लेट्स क्विकली डू 6 क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं बेटा. व्हाई फ्रॉग्स. टाइम यस बेटा दिस इज अप. इज लास्ट 2 क्वेश्चंस. ठीक है. व्हाई इन फ्रॉग्स द एग्स हैचेस इनटू लार्वा नॉट फ्रॉग्स. हाउ टैडपोल डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग. Why birds egg hatches into birds not larva? बिकॉज इन फ्रॉग्स द Because एक्सटर्नल in frogs the eggs have less time to develop and less nutrients. yes they have less nutrients. That's right. Yes, can say they do not have enough nutrients. ठीक है. How tadpole differs from frog? In tadpoles you can see fins, tail. Violent frog limbs are present, जो कि ऑलरेडी हमें जो है assertion में अगर हम जाएंगे ऊपर 26 में वो लाइन दे रखी है. ठीक है. Why birds hatches into birds not larva? Because they have more nutrition and time for developing. Yes, that's the correct answer. Now coming to last 7. ये हमारी जो embryonic development है that is given. Identify the stage A to D. क्या है ये A to D? Yes, क्या है? Pick up, fast. एंडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इज द मल्टीप्लाइजेशन ऑफ अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सी इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डी इज द जाइगोट बीइंग जॉइंट ऑफ द फ्यूटर ऑफ फीमेल. तो ए इज एवरीवन नोट डाउन.
ए इज इम्प्लांटेशन, ए इज इम्प्लांटेशन, ठीक है। सेकेंड बी इज फर्टिलाइजेशन, बी इज फर्टिलाइजेशन, एंड द सी इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड डी इज जाइगोट। डी इज जाइगोट। नाउ अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा यू कैन डू इट इजिली। सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा सबसे पहले। फर्टिलाइजेशन सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगी, फिर ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, फिर फेलोपियन दैट्स गुड। सो नाउ यू ऑल नो द आंसर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बी, देन डी, देन सी, देन ए, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन स्टेज ए, दैट इज इम्प्लांटेशन। यस एट जी। यस ओके, सो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस फ्रॉम टुमारो, ठीक है। सो नाउ वी आर एंडिंग क्लास, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय। एंडिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड बी बोला गया।